मंगलवार को इंदौर के वन विभाग के आला अधिकारियों की बैठक कलेक्टर कार्यालय में हुई, जहां पर वंचित वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले पट्टों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जल्द ही पट्टों की जानकारी मांगी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि वर्किंग पोर्टल पर आई जो सूचियों में त्रुटियां आई हैं, उसमें कार्यवाही की जाएगी। यानी पट्टों के वितरण में कोताही जरूर हुई है और इसे छिपाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन विभाग की नवीन सूची बनाने की ओर देख रहा है। अधिकार पट्टों का था, उसमें जो वर्किंग नीचे से होकर पोर्टल पर आई है जिला लेवल पे, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम और महू की विधायक मैडम ने ये उनके प्रतिनिधि द्वारा बोला गया कि हम लोग सूचियाँ दे दें, हम लोग ये चेक कर लें एक बार, कुछ उसमें त्रुटियाँ हुई हैं उसमें, तो आज सूची दी गई है उनको, दो दिन में चेक करा लेंगे वो लोग। चेक करा के उस पर जैसा भी एक फाइनल डिसीजन होगा उसमें, उस प्रकार से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे उसमें।